अबे वो रेम्बो का बाप है, टर्मिनेटर का चाचा है, रॉकी का दातू है, ब्रूसली का नाना है। अबे वो लास्ट एक्शन हीरो, अबे लास्ट एक्शन। हाँ भाई, अभी ना 11 साल पूरा हो चुका है वांटेड का, तो 11 ईयर्स ऑफ वांटेड ट्विटर अकाउंट पर सलमान फैंस अपनी दीवानगी तो दिखाएंगे ही, क्योंकि जब दबंग का 10 साल हुआ था तो जिस तरह से ट्विटर पे एसएमएस किया गया और जितने लोग ट्वीट किया उसमें एक नया रिकॉर्ड बना, तो इस बार देखना दिलचस्प रहेगा कि वांटेड का क्या ट्रेंड होता है और क्या मैसेज आता है, मतलब कितने जन और कितने लाख ट्वीट होता है वांटेड के ऊपर। तो वांटेड एक बेहतरीन मूवी थी भाई, ये मूवी ईद पे आई थी 18 सितंबर 2009 में। तो भाई मैं कुछ बातें जो वांटेड से जुड़ी हुई है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो मैं 2009 में वांटेड मूवी देखी थी थिएटर में भाई, तो ये मूवी ना मैंने ना भाई 4.5 बार देखी है। जी अभी ना आप लोग ये सुन के हैरान हो जाओगे 4.5 बार कौन हिसाब से आप देखें, तो मैं बता दूँ 4.5 बार मतलब 4 बार फुल शो देखा थिएटर में जाके, और सेकेंड हाफ देखा था मैंने इंटरवल जो होती है ना मूवी का, तो मैं 2-3 दोस्त इंटरवल से ही एंट्री कर लें, थिएटर में एंट्री हो गया था हम लोग, तो इस मिला के 4.5 बार मैंने थिएटर में देखी थी। तो बहुत बेहतरीन मूवी थी भाई, सुपर थी। सलमान खान की जो मास एक्शन मूवी का स्टार्ट जो है ना वांटेड से ही हुआ था, क्योंकि वांटेड को प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया था, उसके बाद ना सलमान खान लगातार हिट पे हिट 2009 के बाद देने लगे, हर साल एक हिट आवाज़ भी हिट दे रहे हैं बॉक्स ऑफिस पे। तो भाई लोग जो बोलते हैं ना सलमानिया पावर, तो आज ट्रेंड पे है सलमान फैन, अगर मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हो तो ट्रेंड पे बैठा दो सलमान खान को। जी हाँ, ट्रेंड तो होना ही चाहिए, आज ना 11 साल का ट्रेंड पक्का होना चाहिए। 4 लाख एसएमएस हुआ था दबंग का, इस बार वांटेड का कम से कम 5 लाख करके दिखाना आप लोगों को, तो भाई लोग ज़रूर करना, समझे ना। आज भी वांटेड का वो डायलॉग याद है, एक बार जो कमेंटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो भाई लोग बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बस इतना ही, बाय।